रिजेक्शन और प्रपोजल अपनी जगह है, लेकिन उनके बीच की एक चीज़ होती है कॉम्प्लिकेशंस। ये बड़ी बुरी चीज़ है, मतलब सारा स्यापा ही सीखा है। मैं बताती हूँ क्या होता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेट तब होती हैं जब वो रिजेक्ट करने के बाद आपकी दोस्त बनना चाहती है। नहीं मतलब वो इंसान जिसने आपको रिजेक्ट किया उसको गिल्ट फील हो रहा है कि उसने रिजेक्ट किया, इस वजह से वो पोलाइट बन रही है और उसकी पोलाइटनेस के चक्कर में आप कन्फ्यूज हो रहे हो क्योंकि आप उसकी पोलाइटनेस को उसका प्यार समझ रहे हो और फिर आपको समझ में नहीं आ रहा और ये सोच रहे हो कि शायद चांसेस हैं। गॉड, अभी हम देखते हैं कि चांसेस हैं या नहीं या कितने हैं, ठीक है, समझते हैं साथ में। Hey loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. This topic is suggested by Chinmay Sadvelkar. I hope मैंने सही pronounce किया। Okay, तो ये मेरे Insta और Facebook का username है, आप चाहो तो मुझे वहाँ follow कर सकते हो and channel को subscribe करके press that bell icon to get notification. Yeah. Number one, why they act friendly? दो reasons होते हैं, पहला attachment, दूसरा guilt. If आपने बहुत ज़्यादा time बिताने के बाद उनको propose किया है तो जाहिर सी बात है वो आपसे attached हैं और इस bonding को खोना नहीं चाहती हैं, आपको खोना नहीं चाहती हैं, इस वजह से वो ज़्यादा अच्छे से behave करती हैं ताकि वो आपको खोना दे। दूसरा है guilt, guilty इसलिए क्योंकि she rejected you और आप उस वजह से हर्ट हुए, तो शी कॉज्ड दैट हर्ट और बिकॉज दे आर गुड ह्यूमन बीइंग्स तो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है और गिल्टी फील होता है, उनको लगता है कि उन्हें गिल्टी फील होना चाहिए बिकॉज दे आर सो गुड। तो इट्स नथिंग टू डू विथ यू, वो अपनी नज़रों में गिर ना जाएँ इसलिए एक्स्ट्रा हम्बल एक्ट करते हैं आफ्टर रिजेक्टिंग यू। नंबर टू, आर दे सेल्फिश और दे आर जेन्युइनली पोलाइट? आंसर इज दे आर पोलाइट। अगर वो पोलाइट नहीं होते तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बात से कि आपको कैसा फील हो रहा है, उन्हें फ़र्क पड़ रहा है मतलब वो पोलाइट है, वो आपसे प्यार नहीं कर रही है, तो इसलिए आपको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये प्यार कर रही है या क्या इसका दिल पिघल रहा है, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज शी इज़ जस्ट बींग पोलाइट। नंबर थ्री, वॉट दे फील वाइल रिजेक्टिंग योर प्रपोजल? ऑनेस्टली ऐसी आवाज़ आती है अंदर से कि सॉरी ब्रो करना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं रही है, वो समझती है, वो सोचती भी है आपके बारे में लेकिन वो सोचना नहीं चाहती हैं। एंड गर्ल्स जो नहीं करना चाहती हैं वो नहीं करती हैं कभी भी, चाहे आप कुछ भी कर लो। एंड ऑब्वियसली दया मर के तो प्यार किया नहीं जाता है कि अरे मुझे इस पर दया आ रही है तो मैं आ जाती हूँ रिलेशनशिप में, आए बेचारा, ये तो नहीं चाहिए था ना आपको। यू आर आस्किंग फॉर लव नॉट फॉर सिंपथी। नंबर फोर, Should you move on or you should give one try? You should move on or at least pretend like you moved on. क्योंकि one more try से proposal accept तो नहीं किया जाएगा, उल्टा जो इंसान repeatedly propose कर रहा है ना उसकी value कम हो जाएगी इसकी नज़रों में और ख़ुद की नज़रों में भी। मतलब obviously क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप बार बार जाके किसी को अप्रोच करो इतना और वो बार बार आपको मना करे, नहीं अच्छा लगेगा ना। तो एक टाइम के बाद आपको ऐसा हो जाएगा कि यार रिलेशनशिप तो चलो ठीक है छोड़ो, अब तो मैं इतना भी नहीं मतलब कंफर्टेबल फील करता कि इससे नॉर्मल रिलेशन भी रखूं या नॉर्मल मैं बातें भी करूं इससे, वो वाली चीज़ भी नहीं रह जाएगी। तो इसलिए बार बार प्रपोज नहीं करना चाहिए बिकॉज रिजेक्शन का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है। समटाइम्स इफ़ आपने लाइफ में कुछ डिसाइड किया और कोई इंसान आके बार बार आपके डिसीजन को, आपके फैसले को बदलने की कोशिश करे तो आपको कैसा लगेगा? बस वैसे ही लगता है जब कोई बार 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 आके प्रपोज करता है। तो इसीलिए आफ्टर रिजेक्शन नो होपिंग एंड हैंगिंग, ओनली मेकिंग एंड प्रोग्रेसिंग। इफ़ उसको प्यार होगा ना, लाइक उस टाइम नहीं हुआ और बाद में हो गया, तो वो खुद कोशिश करेगी, खुद आपसे यू नो बात करेगी क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहेगी। नंबर फाइव, रियल मीनिंग ऑफ मूव ऑन आफ्टर रिजेक्शन। रिजेक्शन के बाद एकदम से कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा देना या उससे अब बात ही नहीं करनी है, ये चीज़ करके आप मूव ऑन कर पाओ ऐसा नहीं है। मतलब इफ़ आप ये सोचोगे ना कि यार अब तो मतलब बात करूँगा, दोस्ती रखूँगा तो अटैचमेंट बढ़ेगी ही मेरे इसके साथ रह के, तो इससे अच्छा मैं इससे बात करना बंद कर देता हूँ, एकदम से डिस्पेयर हो जाता हूँ सो दैट मैं मूव ऑन कर पाऊँ, आप ये सोच के कर रहे हो। लेकिन उसको तो यही लग रहा है ना कि अच्छा अभी रिजेक्ट कर दिया तो अब बात भी नहीं करोगे, मतलब दोस्ती का तो कुछ वैल्यू है नहीं तुमको, अब क्या मतलब बात करने का, अब तो बात करना मतलब टाइम वेस्ट है, ऐसा रहेगा उसके माइंड में। तो इससे ना फालतू की कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी लाइफ में। तो क्विक रिएक्ट मत करो, बिना उनको ब्लॉक किए, बिना उनसे दोस्ती तोड़े, बिना ये सारा कुछ किए भी आप मूव ऑन कर सकते हो नॉर्मल रहते हुए। नंबर सिक्स, डू दिस। मन नहीं हो रहा है बात करने का, दैट्स फाइन, उनके मुंह पे बोलो कि मेरा मन उठ गया है, अभी मेरे को नहीं सूझ रही है बातें पहले जैसे, मैं कैसे बात करूं, क्या करूं करके। तो
वो समझेगी आपके हर्ट को, ज़बरदस्ती का पचड़ पचड़ नहीं करेगी फ्रेंडली एक्ट करने के लिए। उसको क्या लगता है कि वो इस रिजेक्शन का, वो इस हर्ट का, उसका ये जो डिसीजन है वो आपके इस बैड मूड का रीज़न है, जो कि ऑब्वियसली है, वही तो रीज़न है। बट उसको लगता है कि वो साथ रहकर ये चीज़ें ठीक कर सकती हैं, वो आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। उसको लगता है कि मैं ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूँ इसको, तो वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाना चाहती है, वो बस हेल्प करना चाहती है। बट एट दी एंड कॉम्प्लिकेटेड ही होती है चीज़ें उसके ऐसे बिहेवियर की वजह से, कुछ हर्ट वर्ट कम नहीं होता है आपका। नंबर 7, लेट मी मूव ऑन। बिकॉज उसको लगता है कि वो साथ रहकर आपके पेन को रिड्यूस कर पाएगी, और रिड्यूस इसलिए करना चाहती है क्योंकि शी कॉज दैट पेन, तो बट ऐसा होता नहीं है। तो लेट हर नो द ट्रुथ कि उससे दूर रहकर ही आप सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर पाओगे, और उससे दूर रहकर ही आप मूव ऑन कर पाओगे, सो दैट शी कैन लेट यू मूव ऑन। और रिजेक्शन पे मैंने और भी वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन उनमें अलग अलग सिचुएशन है और उसमें अलग अलग बातें की हैं, तो मेक श्योर टू वॉच दम ऑल। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक होंगे, वो आप देखना, क्योंकि रिजेक्शन एक वर्ड ज़रूर है, लेकिन रिजेक्शन बहुत तरह से लोग फेस करते हैं, एंड बहुत अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है आफ्टर रिजेक्शन। तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर हो आपके पास कि आफ्टर रिजेक्शन ये हुआ वो हुआ, तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो या ठीक कर सकते हो, उसमें मैं शायद हेल्प कर पाऊँ, तो मुझे सजेस्ट ज़रूर करना टॉपिक आप। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। लव यू ऑल।